असलम जिसमा गजल एंड नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड द रियल स्टेटिस्टिक्स दैर इज डिस्क्रिप्टिव स्टस्टिक्स Descriptive statistics हमने इंट्रोडक्शन में भी बात की थी कि descriptive statistics का मेन फंक्शन ये है कि वो डेटा को summarize करते हैं organize करते हैं और easy टू अंडरस्टैंड और simplify करके उसको present करते हैं डेटा को डेटा uh, हमारे पास फ़र्ज करें अगर मैंने uh, एक 1000 लोगों से कोविड um, के बारे में पूछा है या फिर मैंने उनसे पूछा है कि वो एस ओ फॉलो करते हैं कि नहीं करते या फ़र्ज करें मैंने लेट्स um, सपोज़ कि हमारे एडमिशन टेस्ट हुए हैं और थाउजेंड लोग अपेयर हुए हैं एडमिशन टेस्ट में और एंट्री टेस्ट के अंदर आउट ऑफ थर्टी थाउजेंड लोगों का स्कोर है सो आई हैव थाउजेंड डेटा पॉइंट्स रेंजिंग फ्रॉम वन टू थर्टी नंबर उस टेस्ट के ऊपर सो so, सबसे पहले व्हाट वी विल डू हम उसको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स लगा के हम उन लोग उसको ऑर्गेनाइज़ करेंगे समराइज करेंगे और प्रेजेंट करेंगे सो so, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए यूजुअली जो हम करते हैं वो हम फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं या फिर एक टेबल में उसका डिस्ट्रीब्यूशन बना के सारे डेटा को शो करते हैं समराइज़ करने के लिए हम उसको फ़र्ज़ uh, करें एक नंबर के अंदर हम उस थाउजेंड डेटा पॉइंट्स को समराइज़ uh, कर सकते हैं जैसे अगर कोई मुझे पूछेगा कि व्हाट वाज द एवरेज स्कोर ऑन द एंट्री टेस्ट फॉर द एम एडमिशन और एम एडमिशन टू द यूनिवर्सिटी तो मैं उसको एक पॉइंट के अंदर एक्सप्लेन uh, कर सकती हूँ कि एवरेज स्कोर आउट ऑफ थर्टी वॉज से एटीन तो अब मैंने पूरे डेटा को समराइज़ कर दिया थाउजेंड डेटा पॉइंट्स को एक वन नंबर के अंदर इसी तरह इफ़ आई वॉन्ट सम वेरेबिलिटी इन द डेटा के स्प्रेड ऑफ़ स्कोर्स कैसा था लाइक हाउ पीपल स्कोर्ड एक्चुअली लाइक व्हाट वॉज द मिनिमम नंबर व्हाट वॉज द मैक्सिमम नंबर मजोरिटी कहाँ पर फॉल कर रही थी तो उसके लिए मैं स्टैंडर्ड एविएशन निकाल करके बता सकती हूँ कि आपका स्कोरस के दरम्यान डिस्पर्शन कैसा था अगेन सिंगल नंबर के अंदर आई कैन समराइज़ द डेटा और फिर अगर मैंने उसको आम पब्लिक को एक प्रजेंट करना है तो मे बी मैं उसका ग्राफ बना दूँ हिस्टोग्राम लाइन चार्ट चार्ट पॉलीगॉन इस तरह की बहुत सी चीज़ों में मैं उसको खूबसूरत तरीके से प्रजेंट भी कर सकती हूँ सो लेट स्टार्ट विद द डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स एंड वी विल स्टार्ट विद द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर मैंने उसकी डेफिनेशन बताई हुई हैं जो कि हमने पहले भी कवर किए हुए हैं कि समराइज़ ऑर्गेनाइज और प्रजेंट करने में हम मईस ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मईस ऑफ डिस्पर्शन बहुत से ग्राफ्स उसको प्रेजेंट करने के लिए और प्रेजेंट करने के लिए हम उसको फ्रिक्वेंसी दिस, डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सप्लेन कर सकते हैं सो दिस इज एक्चुअली व्हाट डिस्क्रिप्टिव स्टिस्टिक्स यूजुअली इंक्लूड एट अंडर ग्रेजुएट लेवल स्टूडेंट के लिए आपके टेबल्स और डिस्ट्रीब्यूशन होंगे आपके uh, ये दो दफ़ा टाइप हो गया सेंट्रल टेंडेंसी होंगी जिसमें हम मेन मीडियन मॉड करेंगे मेज ऑफ डिस्पर्शन में मेनली हम रेंज रफ क्रूड में है लेकिन हम ज़्यादा फोकस वेरियंट और स्टैंडर्ड स्टैंडर्डिएशन पर करेंगे दो दे इज़ मीन डेविएशन क्वाटल डेविएशन वो भी हैं लेकिन हम ज़्यादा फोकस अपना वेरियंस स्टैंडर्ड डिविएशन और रेंज पे करेंगे और फिर हम कुछ आ, ग्राफ्स और चार्ट्स की बात करेंगे जो कि मोस्ट कॉमनली यूज हैं लेकिन आपके पास बहुत सी ऑप्शनज हैं एस पी एस एस के अलावा आपके पास आर्ट्स सॉफ्टवेयर में ग्राफ्स की बहुत अब तो बड़े इंटरक्टिव ग्राफ्स आ गए हैं आ, वो भी मे भी हम यहाँ बात ना करें बल्कि बेसिक्स ग्राफ्स की बात करेंगे आ, Every variable has a distribution, uh, which is the way the scores are distributed across the levels of that variable. In the same sample, the distribution of the variable sex or gender might be such that uh, 44 have a score of male and 56 have a score of female. What is your distribution? Kaise banta hai? Uh, mere khase, let's actually it manually. First, we have the following list of numbers, hai, and that is the frequency of the numbers. नाइन इज़ फाइव बिकॉज इट अकर्स फाइव ये मैं आपको बना के दिखाती हूँ लेट सपोज हमारे पास ये नंबर हैं सपोजिंगली मैंने पंद्रह लोगों का टेस्ट लिया है तो मेरे पास जो नंबर आए हैं वो ये हैं फिफ्टीन हमारे पास ऑब्जरवेशन हैं और ये हमारा वन टू टेन पॉइंट के ऊपर टेस्ट के ऊपर स्कोर है बच्चों का जो कि पंद्रह क्लास में स्टूडेंट्स हैं और उनका ये स्कोर है ना आई विल मेकआ डिस्ट्रीब्यूशन हमारे फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में यूजली आपकी तीन कॉलम्स होते हैं आपका एक होता है स्कोर का कॉलम उसके बाद फ्रीक्वेंसी का और उसके बाद हमारे पास परसेंटेज का कॉलम होगा चूंकि ये अनग्रुप डेटा है आपका ग्रुप डेटा भी हो सकता है लेकिन सो फार आई एम जस्ट रनिंग अनग्रुप डेटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें आपका टू है स्कोर थ्री है फोर फाइव सिक्स सेवन और एट नाइन टेन भी हम आगे लिखेंगे अब आपने लिखना है कि टू का स्कोर कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है डेटा के अंदर वन टू कुछ लोग टैले मार्क का भी कॉलम बनाते हैं यानी हमारे लिए जब डेटा सेट बहुत बड़ा होता है और हमने मैनअली उसका डिस्ट्रीब्यूशन बनाना हो तो फिर हम उसको टैले मार्क्स लगा के भी बना सकते हैं तो हम उसमें फ्रीकेंसीज की लिख देंगे कि ये दो का स्कोर दो बच्चों का आया है या दो दफ़ा रिपीट हुआ है उसके बाद थ्री है तो ये वन टू थ्री तो ये हमारा थ्री का स्कोर थ्री टाइम्स आया है फोर का स्कोर हमारे पास जस्ट एक दफ़ा आया है हम इसमें वन डाल देंगे फाइव का स्कोर हमारे पास वन टू एंड थ्री टाइम्स आया है सिक्स का स्कोर हमारे पास वन एंड जस्ट वन टाइम ही आया है और सेवन का स्कोर हमारे पास वन टू एंड थ्री टाइम्स आयानी थ्री स्टूडेंट्स का स्कोर सेवन आया है सिक्स और इसी तरह उसके बाद एट किसी का नहीं है और नाइन एक बच्चे का है और टेन भी किसी बच्चे का नहीं है तो यू कैन ऐड अकॉर्डिंगली स्कोर्स और उसके आगे उसकी फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज निकालने के लिए चूंकि ये हमारा पंद्रह का डेटा है तो इफ़ टू पीपल आर स्कोरिंग टू स्कोर तो टू बाई फिफ्टीन इन टू हंड्रेड आप निकाल लेंगे कि वाट इज द परसेंटेज ऑफ द स्कोर इन द डेटा तो आपको ये रफली कैलकुलेट करके दे देगा मे बी अगर इट्स लाइक फिफ्टीन परसेंट मे बी समिंग लाइक दैट तो आप उसका एग्जैक्ट कैलकुलेटर से निकाल के आप उसकी परसेंटेज का कॉलम दे सकते हैं सो दिस इज़ अ सिंपल फ्रीकुंसी डिस्ट्रीब्यूशन नॉ यू हैव ऑर्गेनाइज द डेटा पहले हमारे पास डेटा इस तरह से था जो कि बस स्कोरस थे और बहुत स्कैटर्ड डेटा था सो so, हमने डिस्क्रिप्टिव स्टिस्टिक्स में यूजिंग द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द डेटा I organized a set of data into a frequency distribution with the scores, frequency and percentage. Now, if we want to see anybody के क्या score आया है ज़्यादा, तो हम उसके अंदर uh, definitely देख सकते हैं कि scattered ही score है, मतलब three पे भी three लोग हैं और seven पे भी three लोग हैं. We can calculate percentage exactly कि कितने percent लोग, for example, we want to see कि fifty percent से ऊपर कितने लोग number ले रहे हैं. तो फिर हम उसमें से अकॉर्डिंगली उसकी परसेंटेज देख सकते हैं इसी तरह एक होता है क्यूमेलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विच इज़ मोर हेल्पफुल एक्चुअली और क्यूमलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसको सी एफ से हम नोट करते हैं क्यूमलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम भी हम ऐड कर देते हैं यानी वो एड अप होता जाता है कि दो नंबर लिए हैं दो लोगों ने और थ्री तक लोग आए हैं फाइव फोर तक आए हैं सिक्स वी विल एड द फ्रीक्वेंसी बिलो इन टू द टॉप तो फ्रीक्वेंसी टू मेक इट अ क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विच इज़ मोर मीनिंगफुल क्योंकि आप, आप कह सकते हैं कि फोर्थ स्कोर तक छः बच्चे क्लास में ऐसे हैं जो कि फोर और उससे बिलो ले रहे हैं सो तो इसके बाद हम इसका सिक्स में फिर थ्री जमा करेंगे तो नाइन हो जाएगा फिर वन जमा करेंगे तो टेन फिर थ्री जमा करेंगे तो थर्टीन सो दिस इज कॉल्ड क्यूमिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वेयर वी हैव कॉलम ऑफ स्कोरस फ्रीकवेंसी परसेंटेज एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मे बी परसेंटेज का कॉलम आप एंड पे भी शिफ्ट कर सकते हैं तो इसमें हमें ये अच्छा आइडिया मिलता है कि अगर हम जानना चाहते हैं कि कितने स्टूडेंट समटाइम्स हमारे टेस्ट में कट ऑफ पॉइंट होता है जैसे मैं कहती हूँ कि समबडडी इज गेटिंग बिलो फाइव ऑन माई टेस्ट ही इज फेल ही और शी इज फेल तो मैं देखना चाहती हूँ कितने बच्चे फेल हैं तो क्यूमुलेटिव में मुझे पता चल जाएगा कि आउट ऑफ फिफ्टीन मे बी नाइन पीपल आर हु आर गेटिंग स्कोर ऑफ फाइव और बिलो सो नाइन फिर आप देख सकते हैं कि नाइन आउट ऑफ फिफ्टीन कितने परसेंट बनता है तो ऑलमोस्ट फिफ्टी परसेंट से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो बिलो फिफ्टी परसेंट नंबर ले रहे हैं तो इस तरह आप उसकी परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं सो दिस इज़ अ सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और इसी तरह कीूमलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी जिसमें आप हर फ्रीक्वेंसी के जो बिलो फ्रीक्वेंसी है उसको एडअप करते जाते हैं एंड इट इज़ मोर मीनिंगफुल क्योंकि आप किसी भी सर्टन पॉइंट पे देख सकते हैं कि उससे बिलो कितने परसेंट लोग या कितने एक्चुअल लोग उस नंबर से बिलो फॉल कर रहे हैं इसी तरह हम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बना सकते हैं और उसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम उनके ग्रुप्स बना लेते हैं मसलन मैं कहूँगी कि जीरो से लेके से फोर तक कितने लोगों का नंबर है और फिर फाइव से लेके वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन मे बी आप इक्वल इंटरवल्स बना सकते हैं कि अगर आपका फर्ज करें यहाँ पे फोर है तो आपने वन टू थ्री फोर नंबर किए हैं फाइव सिक्स सेवन एट तक कर लेंगे और फिर नाइन से लेके आपका टेन और ट्वेल्व जितना भी है सपोजिंगली ऐसे आप कर लेंगे तो अब आपने स्कोर्स में बजाय सिंपल स्कोर्स लेने के आपने उसके ग्रुप्स बना दिए तो फिर इसी तरह आप देख लेंगे कि इस ग्रुप के अंदर कितने लोग यानी कितने लोग ऐसे हैं जो वन से फोर तक स्कोर कर रहे हैं दिस इज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन पीपल आर गेटिंग स्कोर ऑफ वन और बिलो फोर तो सेवन में लिख दूंगी इसके अंदर ये आप कितने लोग हैं फाइव टू एट के दरम्यान ले रहे हैं तो फिर उसमें मैं गिन लूंगी फाइव वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन अगेन सेवन पीपल आर गेटिंग स्कोर बिटवीन फाइव एंड एट एंड देर इज़ ओनली वन पर्सन इज गेटिंग स्कोर ऑफ नाइन और टेन एंड ये हमारी टोटल एन हमारा हो गया फिफ्टीन और इसी तरह हम इसकी परसेंटेज भी निकाल सकते हैं और क्यूमिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं जिसमें कि हम करेंगे सेवन बाई फिफ्टीन आउट ऑफ हंड्रेड और क्यूमलेटिव में हम आप इसका दे देंगे सेवन प्लस सेवन कितना हो गया फोर्टीन और फिर वन जमा करेंगे तो फिफ्टीन आपका क्यूमलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बन जाएगा सो दिस इज कॉल्ड ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अब ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपके कंटिन्यूस भी हो सकते हैं जहाँ पे आप लोअर और अपर लिमिट्स बना देते हैं यानी आप उसको पॉइंट फाइव से फोर पॉइंट फाइव भी कर सकते हैं आप इक्वल इंटरवल्स के साथ भी कर सकते हैं यानी दो दो का इंटरवल रख लें दस तक बना लें या फिर दे आर सर्टन अदर वेज ऑल्सो जो कि आपको मैं जब हैंड आउट्स दूंगी तो आप उसमें देख सकते हैं कि हमने किस तरह से डिफरेंट डेटा सेट्स को अकॉर्डिंग टू वॉट रियली वी वॉन्ट टू नो उसके मुताबिक हम अपने स्कोर्स को ग्रुप करते हैं ग्रूप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसके साथ जब आप क्यूमलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकाल लेते हैं तो फिर इसके लिए आपको मीन मीडियम मॉडल निकालना बड़ा आसान हो जाता है अगर आपने उसको मैनुअली कैलकुलेट करना है क्यों क्योंकि इस डेटा के साथ आई विल टेल यू द फॉर्मूला एंड देन वी कैन कैलकुलेट कि इसका मीन कितना आएगा सो दिस इज सिंपल वे ऑफ प्रेजेंटिंग अ डेटा इन डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स यूजिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वी वी हैव टॉक्ड अबाउट सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देन ग्रुप्ड फ्रिकुवेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन वी कैन हैव other ways of grouping this scores by continuous or taking upper or lower limits also where i will explain more in handouts which you can read